नहीं है, एक दो क्वेश्चन हो सकता है कोई परेशान करे, वरना भैया मैथ तो ऐसा आ रहा है कि 17-18 का हर बच्चा को कर देना चाहिए। और अगर मैं बोलूं कि रीजनिंग, रीजनिंग पहले जैसी है भैया, पहले भी पजल के एक दो क्वेश्चन थे, अब भी दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब वो बिल्कुल वही पैटर्न को लेकर के चला है रीजनिंग में जैसा पिछली बार था। तो पिछली बार भी हम यही मान के चल रहे थे कि बच्चा 18 क्वेश्चन तक कर जाएगा, और 18 से अगर डाउन जाते हो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में, तो फिर ये आपकी हार मानी जाएगी बच्चों, ठीक है। और हाँ, अभी असम वाले बच्चों की भी बात बोलूंगा, मुझे पता है आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं जीएस की बात कर लेता हूं बच्चों, जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप लोगों को क्या करना है, अगर जीएस की मैं बात करूं तो इस बार हम ये मानते हैं एसएससी की जीएस में यार 13-14 करना बहुत मुश्किल होता है, और हमने भी ऐसे ही क्वेश्चन यहां दिए थे अपने मॉक टेस्ट वगैरह में। पर बच्चों इस बार जीएस अगर आप पूछोगे तो वास्तव में हर शिफ्ट का तो मैं नहीं कहता, कुछ शिफ्ट में कोई चीज थोड़ी मुश्किल, कोई चीज थोड़ी मुश्किल डाल दी, लेकिन अधिकतर शिफ्टों में जीएस आसान देखने को मिली है, जिसमें अगर बच्चा नॉर्मल जीएस पढ़ने वाला है तो उसको 14 से 16 क्वेश्चन करने चाहिए इस बार पेपर में। ऐसा पेपर, मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूं बच्चों, ऐसा स्कोर नहीं होगा ना आपका, अगर आप राजस्थान से, आप यूपी से, आप बिहार से, आप एमपी से, आप हरियाणा से, आप दिल्ली से, अगर ऐसे राज्यों से भी आपका ऐसा स्कोर नहीं होगा ना, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी इस एग्जाम में। और मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में दो क्वेश्चन आ रहे, पिछली बार तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेता था, दो क्वेश्चन पिछली बार भी अलग थे, है ना, वोकैबुलरी से अलग जो होते हैं, चाहे वो संज्ञा से आए, चाहे वो विशेषण से आए, चाहे वो अव्यय से आए, चाहे वो कारक से आए, पिछली बार था, इस बार न संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक कुछ नहीं अब तक पूछा है, सिर्फ तत्सम और तद्भव दो क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपका वोकैबुलरी का ही पार्ट है अगर सही पूछो तो। तो भैया 18 क्वेश्चन तो वही अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द पर्यायवाची बताओ, खाली स्थान बताओ, विलोम शब्द बताओ, पैराग्राफ कर दो, है ना, और वर्तनी शुद्ध कर लो। तो इनमें यही सारी चीजें हैं बच्चों, हिंदी में तो यार दो तत्सम तद्भव और डाल दिया है, तो यार ये तो 18-19 क्वेश्चन तक आपकी जानी ही चाहिए, सबसे आसान चीज तो ये आ रही है, पिछली बार से आसान हो गई है। अब आप ये सोचो कि सर ये तो बहुत तगड़ा स्कोर बनेगा अगर ऐसा कोई कर जाएगा तो, पहली बात तो नेगेटिव करके कुछ कुछ लेकर नहीं जाएगा वो आपका, कुछ भी नहीं घिसरा, है ना, तो भाई ये बहुत बहुत तगड़ा स्कोर इस बार आपको करना होगा एग्जाम में हिंदी भाषी स्टेट में, अगर आप अच्छी पोस्ट चाहते हो तो, ठीक है। रेडियो ऑपरेटर के लिए बेटा कल वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं, है ना, आज उसकी जिक्र नहीं करूंगा, कल के लिए मैंने बोला था तो मैं कल बना दूंगा, मतलब मैंने बोला था परसों बनाऊंगा, तो कल वीडियो बनी है तो उसका परसों यानी कल आएगा। चलिए अब मैं अगर बोलूं कैसे करना है एग्जाम अटेम्प्ट, बच्चों जब पेपर आसान आता है ना तो समय की कमी नहीं पड़ती, और जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट बहुत कर लिया हो ना उसको समय कम पड़ना ही नहीं है। और एक बात आपको और बता दूं कि बच्चे हमने एक स्पेशल मॉक दिए हैं आपको, स्पेशल मॉक, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, स्पेशल जो मॉक दिए हैं एक हमने 20 फरवरी को डाला है, और मैंने उस दिन ही बोला था आपको, और मैं दूंगा, देखिए मैं कहीं भी व्यस्त रहा हूं लेकिन ये आपको मिले हैं, टाइम से मिले हैं, क्योंकि टीम को मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि बच्चों से बोल दिया ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया 20 फरवरी और 24 फरवरी ये दो मॉक टेस्ट कर लो, पेपर ऐसा ही आ रहा है, और आप उनमें खुद को देखो कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1/4 और 1/8 ये नेगेटिव है तो बच्चा वहां 0.25 काटा जाएगा हर एक प्रश्न का। अब ये काटा जाएगा इसका मतलब क्या है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ रहा है आपका लिखा हुआ, एक प्रश्न का अगर ये काटा जाएगा तो 1/8 की ही नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नहीं है। तो हमने ये जो दो टेस्ट लिए हैं ना आपके, इसमें 1/8 की नेगेटिव मार्किंग रखी है, और आप देखना इसमें आपके क्वेश्चन, इसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा बन रहा होगा, यहीं से आपको पता लग जाएगा, यानी नॉर्मली जो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर चलता था ना हर संडे को, उससे काफी अच्छा स्कोर यहां आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर आप में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पेपर बिल्कुल वैसा ही बनाया, और आप खुद बोलोगे जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, 1,70,000 कर चुके हैं इसको, आप पीछे हो अगर आपने नहीं किया है तो जिन बच्चों ने ये मॉक टेस्ट दिया है ना, तो उनको जब वो पेपर देंगे तो खुद कहेंगे सर ऐसे ही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, यही कर सकते हैं हम आपके लिए बच्चों। चलो, और ये फ्री है, रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पर जाइए, और ये फ्री मॉक टेस्ट है आपके लिए, ठीक है, रोजगार विदंकित ऐप पर।